ये देखिए दोस्तों, वनीला केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनके तैयार हुआ है। आप भी इसे अपने घर में बहुत ही आसानी से कम इंग्रेडिएंट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए केक बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस तरह का सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक आप बहुत ही कम समय में कुकर में आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। स्लो फ्लेम पे कुकर को प्री हीट होने देंगे और कुकर का विसिल निकाल लेंगे। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप पिसी हुई चीनी लेंगे। आप भी घर में किसी भी कप ग्लास कटोरी से मेजरमेंट से, और इसमें 1/3 कप अनफ्लेवर्ड रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड कर चीनी और ऑयल को अच्छे से मिला लें। ऑयल और चीनी को अच्छे से 5 मिनट के लिए मिक्स करेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। ये देखिए चीनी और ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया। इस टाइम पे हम इसमें 2 कप मैदा ऐड करेंगे। यहाँ मैंने मैदे को अच्छे से चाल लिया है। आप भी केक बनाते समय मैदा चाल कर ही इस्तेमाल करें, इससे केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होता है। मैदे को भी चीनी और ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे हम इसमें 1.5 कप दूध ऐड करेंगे। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पे दूध को लिया है। दूध डालकर सभी इंग्रेडिएंट को एक बार अच्छे से फिर से मिला लेंगे ताकि बैटर में लम्स ना बने। वनीला केक बनाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि सभी इंग्रेडिएंट को ऐड करने के बाद हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिलाना है, जिससे केक हमारा परफेक्ट बनके तैयार होगा। ये देखिए इस तरह स्मूथ बैटर बना के हमें केक का तैयार करना है। इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 1 चम्मच वनीला एसेंस ऐड करें। सभी इंग्रेडिएंट को एक बार फिर से एक ही डायरेक्शन में मिला लेंगे ताकि केक के बैटर में एक भी लम्स ना रहे। केक बनाते समय एक बात का और ध्यान रखें कि केक बनाते समय सभी इंग्रेडिएंट बिल्कुल सही मेजरमेंट मिले, तभी आपका केक स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनके तैयार होगा। ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गया है और इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच सिंथेटिक विनीगर ऐड करेंगे। विनीगर ऐड कर केक के बैटर को एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट को हमने अच्छे से मिला दिया है। इस टाइम पे हम इसे केक बनाने के लिए एक मोल्ड लेंगे। केक बनाने के लिए आपके घर में जो भी स्टील या एल्युमिनियम का कटोरी या टिफ़िन हो, आप उसका इस्तेमाल केक बनाने में कर सकते हैं। केक बनाने के लिए एक बटर पेपर लेंगे और उसे केक मोल्ड में अच्छी तरह से अंदर की तरफ रैप कर देंगे। ये देखिए बटर पेपर को केक टिन में हम इस तरह अंदर से रैप कर देंगे, जिससे केक टिन से केक को निकालने में हमें बहुत ही आसानी होगी और केक इजीली बाहर निकल आएगा। केक टिन में बैटर ऐड करेंगे और केक के बैटर को हम हाफ ही फिल करेंगे, जिससे केक हमारा फूलते समय ओवरफ्लो ना हो और केक टिन को इस तरह स्लैब पे टैप टैप कर देंगे, जिससे एक्स्ट्रा एयर बाहर निकल आए। और लास्ट में केक के ऊपर काजू या काजू के टुकड़े ऐड करेंगे।
आप भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट, आलमंड या टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं। केक का बैटर बनके तैयार हो गया। अब हम इसे कुकर में बेक होने के लिए रखेंगे। बेक होने के लिए कुकर में यहाँ एक छोटा सा टिफ़िन का हमने ढक्कन लिया है। आप अपने घर में प्लेट या कटोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप पहले कुकर के तले में टिफ़िन रखें और उसके बाद केक के बैटर को रखेंगे। कुकर में टिफ़िन के ढक्कन डालकर केक को बेक करने से केक जलता नहीं है। ये देखिए, यहाँ मैंने कुकर में केक बेक होने के लिए रख दिया है। अब हम इसे ढक्कन लगा कर के 25 से 30 मिनट स्लो फ्लेम पे बेक होने देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे हम केक को एक बार चेक कर लेंगे। केक को चेक करने के लिए एक क्लीन नाइफ़ लेंगे और केक के सेंटर में उसे डालकर हम चेक कर लेंगे। नाइफ़ हमारा क्लीन आया है, केक हमारा बनके तैयार हो गया है। इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और केक को ठंडा होने देंगे। केक हमारा ठंडा हो गया है। ये देखिए, मैंने केक टिन से केक को अनमोल्ड कर लिया है और इस तरह हल्के हाथों से इसका बटर पेपर को केक से रिमूव कर लेंगे। आप भी इसी तरह बटर पेपर को हल्के हाथों से रिमूव कर लें और हल्के हाथों से केक को पलट लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार।